व्हाट्सअप गाइस, नीला कबूतर सतपाल तनवर दिया लॉरेंस बिश्नोई को धमकी, अगले ही पल पेंट गीली हो गई। भैया मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो, तो क्या मामला चल रहा है पता नहीं भैया, लेकिन हाँ सेंटर ऑफ टॉक इस टाइम पर सोशल मीडिया पर तो लॉरेंस बिश्नोई न्यूज में भी है, तो देखते पूरी वीडियो। 1 2 3 गो। भीमसेना लॉरेंस बिश्नोई को खुलकर ललकारती है। लॉरेंस बिश्नोई एक खतरनाक देशद्रोही अपराधी है। यदि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इजाजत दे तो हम मात्र 2 घंटे 4 मिनट के भीतर लॉरेंस बिश्नोई को मिट्टी में मिला देंगे। वोट देगा ये, तू वोट देगा नीले टिड्डे सतपाल तंवर बिश्नोई, अगर तेरे सपने में भी आ गया ना तो पेशाब हो जाएगी तेरे। तुम जैसे मिक्स ब्रीडों की औलाद, पड़ोसी की ब्रीडों की औलाद, थोड़ा सा फेम पाने के लिए कुछ भी बकचोदी पेलते रहते हैं। ये बकरी वाला मौलाना जो 1 क्विंटल गले में रस्सी बांध कर घूमता था, उसने उल्टी सीधी बकचोदी की, वो औकात में आ गया। तू टिड्डे, पूरे भारत में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भीम सेना के 26 लाख से ज्यादा भीम सैनिक कार्यकर्ता पूरी तरह से सक्षम है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, पूरी दुनिया में भीम सेना का नेटवर्क मजबूत है। बीआरपी के इस गलत फहमी ने इसको कितनी बार पिलवाया है, कितनी बार इसको तोड़वाया है, इसके पिछवाड़े को तोड़वाया है। तो लगता है कि इसका नेटवर्क पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन कोई 100 रुपए की पत्ती इसको जब थमा देता है तो ये कुछ भी बकचोदी करता है। उसके बाद पुलिस, नीला कफन बांधकर हमारे भाई नवाब सतपाल तनवर चीफ भीम सेना के, नीला कफन सर पे बांध के आऊंगा, मर जाऊंगा। पॉलिटिक्स चमकाने में इसको, तो न्यूज में बने रहने के लिए कुछ लोग जाती दे देते हैं। हाँ टिड्डे, अब की बार लगता है तेरा सपना पूरा हो जाएगा कफन वाला, क्योंकि तू वो जो डंडा पुलिस डालती है तेरे, वो लगता है तेरे लिए काफी नहीं है, उससे तू संतुष्ट नहीं होता। ये तूने अब की बार बड़ी वाली लकड़ी ले ली है, उड़ता तीर, उससे शायद तेरा काम हो जाए। बेटा औकात जितनी होती है उतना ही बोलते हैं। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बकचोदी पे लोगे। अरे तू जो काम करता है उसको करना, 150 लेकर इधर उधर छोटे छोटे मुद्दों पर भौंका कर, उसमें तेरा घर चलता रहेगा, उसमें तेरा पेट भरता रहेगा। पेट का यानी गुड़गांव क्यों बनाने में तू लगा? सलमान खान को जानती है मैम? अरे मेरा भाई है, मैं क्यों नहीं जानूंगी भाई? सलमान खान है, किंग है वो, क्यों मांगेगा माफी? जान से मारने की धमकी, माफी? अरे मारे माफी, जान से 36 मरेगा, जब वो मरेगा वो पता नहीं कितने को मार के मरेगा। सलमान खान माफी मांगेंगे? माफी क्यों मांगेगा, किस बात की माफी मांगेगा सलमान खान? वो अरे उसका भाई है, उसका तो अरे काले हिरन को मारा है, काले हिरन को क्या अभी मारा है? वो तो घूमने के लिए गए थे, वो 25-30 साल हो गए उसको, और वो सजा भी काट के आया है, मुकदमा भी चल रहा है। इसको इस बात का फैसला कोर्ट करेगा। ये बिश्नोई कौन होता है करने वाला? बिश्नोई पहले अपनी जान बचा ले, पहले खुद खुला होकर के। तो इस वीडियो का यानी इस जाहिल महिला का वीडियो दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है, यूनिटी, एकता, यही काम आता है। और इसका एकता एकदम ही बरकरार है। इसका अपना, जो अपने अपने होते हैं, ये कुछ भी कर दे उसका फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन तुम अगर कुछ कर दोगे तो उसका फैसला ये खुद ही कर लेते हैं। सलमान खान के पप्पा बोलते हैं कि मेरा बेटा हिरण को मारा ही नहीं, वो एक मक्खी को ही नहीं मार सकता, मच्छर नहीं मार सकता, लेकिन ये मोहतरमा कम से कम मान रही है कि नहीं उसने मारा, लेकिन काफ़ी पहले मारा, और जो काफ़ी पहले मार दिया जाता है उसका कुछ नहीं होता। कल को दाऊद इब्राहिम को अगर मान लीजिए भारत सरकार पकड़ती है, सजा देती है, तो ये लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे, अरे नहीं नहीं वो तो बम ब्लास्ट बहुत पहले किया था, उससे क्या मामला नहीं है, उसके साथ कुछ नहीं करना चाहिए, ये नंगा हो जाएंगे। सड़क पर अपना पिछवाड़ा उठाकर, पिछवाड़ा ओपन कर नंगा नाच करेंगे कि सजा उसको ना मिले। के सामने लॉरेंस बिश्नोई की क्या औकात है? सलमान खान को पूरा दुनिया सलाम करता है। लॉरेंस बिश्नोई खुद से नहीं बोल रहे, लॉरेंस बिश्नोई गुंडा है, सड़क छाप है, आप अजीब बात कर रहे हो यार।
उसकी औकात क्या है सलमान खान के सामने? सलमान खान एक स्थापित अभिनेता है, फिल्म इंडस्ट्री में उसका धाक है, उसको भारत के सभी लोग जो है उसके फैन जितने हैं करोड़ों करोड़, वो फैन अगर एक एक गिलास पानी फेंक देंगे तो लॉरेंस बिश्नोई डूब जाएगा, इतने उसके फैन है सलमान खान के। तो लॉरेंस बिश्नोई तो गुंडा है सर, अच्छा पे हत्यारा है, लुटेरा है, सैकड़ों मुकदमे उसके ऊपर है, मुकदमे तो सलमान खान पे भी है, लेकिन सलमान खान पे हिरन और दूसरे मुकदमे इस पर तो लूट के हत्या के बलात्कार के छिनौती के गुंडागर्दी के मुकदमे हैं। इसको तो पुलिस तलाश रही है, सलमान खान को पुलिस तलाश रही है क्या? सलमान खान तो मजे में फिल्म बना रहा, वो क्यों माफी मांगे इस गुंडे? लगता है बिश्नोई ने छिनारा इसके घर में किया था, इसकी बहन बेटियों के साथ किया था, इसलिए इतनी डीप जानकारी है इस जाहिल मौलाना को। जाहिल इस जानकारी के लिए बता दूं कि लॉरेंस को पुलिस खोज नहीं रही है, वो ऑलरेडी जेल के अंदर है। और बच्चे तुम्हारे सलमान पापा, उनको भी पुलिस नहीं खोज रही है, लेकिन उनको सजा मिली हुई है और आजकल तो उनके घर के बाहर पुलिस पहरा दे रही है, पता नहीं क्यों। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक कितने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई? बात तो सही है देवेंद्र जी की कि औरंगजेब की औलादे आजकल कुछ थोड़ा ज्यादा ही हो गई। अरे उसकी बात नहीं हो रही है, वैसी ब्रदर की बात नहीं हो रही है, यहाँ वाले अपने अपनों वाले जो होते हैं ना, वो नाजायज आजकल हो गए हैं थोड़े से रुपयों के लिए, उनको थोड़ा सा चंदा क्या मिलता है, अपना जमीर बेच आते हैं, यानी जय चंदी करने लगते हैं। जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। मुझे सिर्फ इतना पता है हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। यह हाफ बिरयानी यानी डॉक्टर शेखावत जो कहता है कि मैं एक करनी सेना चलाता हूँ गुजरात में, वह रुपया तांत्रिक इनाम देना चाहता है, बिश्नोई को मारने के लिए करोड़ों में इनाम देना चाहता है। ज्यादा पैसा बेटा, मैं तेरे से यही कहूंगा कि वो इनाम तू ही रख ले, अगर तेरे पैजामे में थोड़ा सा भी औकात है तू ही उसको रख ले। जिनके बारे में बोल रहा है कि उनकी हत्या लॉरेंस ने करवाई है, उनकी पत्नी का क्या कहना है, उनकी पत्नी ने तेरे को तुम जैसे जाहिल तांत्रिक को क्या जवाब दिया है, सुन। क्या साबित करना चाहते हैं कि इनाम दूंगा कुमार दो? ये तो देखिए अब उनके दिल की तो वही जाने, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से तो ये सही नहीं है। हाँ बस ये उसी तरीके का एक मतलब समझ लीजिए कि इनको कोई पूछ नहीं रहा होगा, अब इनको बीच में आना होगा। बहुत लोग आ रहे हैं फिल्म लेने के लिए, बस वो तो कह रहे हैं कि मैं करनी सैनिक हूँ और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को न्याय दिलाते रहूंगा। तो अगर वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को न्याय दिलाना चाहते थे तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब हमने न्याय यात्रा निकाली थी 3 मार्च को, जब मैं पैदल चल रही थी, तो मेरे साथ आकर के क्यों नहीं खड़े हुए उस टाइम पे, कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दे। सही कह रही हैं आंटी जी कि इसको कोई पूछ नहीं रहा है, ये सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ये सब बकलोली कर रहा है। और हाँ, हमें क्या लगता है, इसको जो लोग पूछ रहे हैं वही लोग इससे ऐसा बयान दिलवा रहे हैं कि बहरूपिया लोग अपना जेब भरने के लिए एक धार्मिक संस्था बना लेंगे, ये इसने करणी सेना बना लिया है, जहां जरूरत होगी, जहां धर्म की रक्षा की जरूरत होगी तब ये दूसरे की पड़ोसी की गोद में बैठे मिलेंगे, तब ये नहीं दिखाई देंगे, लेकिन इनको थोड़ा सा मिल जाएगा किसी के ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगाने का, बोलने का, तो ये करोड़ों में खेलने लगेंगे। जाहिल छपरी, लॉरेंस ने क्या किया है क्या नहीं किया है उसको तो सजा कोर्ट देगी, वो ऑलरेडी जेल में है, तू कौन होता इनाम देने वाला? हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं, तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही है, जो और बता
हैं, तब हिसाब किताब हो जाएगा, तब हिसाब किताब हो जाएगा। शाहजान तुमसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम इस प्रकार से छिछोरी बयानबाजी करोगे, धमकाते फिरोगे। अरे तुम ही तो थे जो अपने पार्टी के बारे में, यानी अपने भतीजे के पार्टी के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी दी थी। नहीं याद है आपको तो ये वाला बयान दोबारा सुन लो। जब समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल भटक गई, ये तो हो गई है चोर उचक्कों की पार्टी, माफियाओं की पार्टी, किसी की जमीन पर कब्जा और शराब माफिया से लेकर के ऐसे लोगों से कहीं पार्टी चलेगी कहाँ। नेताजी ने कितनी मेहनत से पार्टी बनाई थी, उसको बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। चाचा जान भटके तो आप भी हो, इस समय तब पार्टी भटकी थी, लेकिन आज आप भड़क गए हो। जो खुलेआम धमकी दे रहे हो कि हमारी सरकार 2027 में आएगी तो नाम लिखकर कार्रवाई होगी, बदला लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अरे हमें अच्छा लगता है कि शायद आपका लास्ट ही चुनाव होगा एज के हिसाब से, तो क्यों ना इज्जत के साथ हार जाते। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों चाचा जान को, बदले बदले इनके तेवर को, बदले बदले इनके सुर को, कमेंट करके बताइए। ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में आप लोग पॉलिटिक्स में, और जिनको चर्चाओं में रहने की आदत होती है ना, मुझे लगता है कि वो मौका देखते हैं कि कब क्या टॉपिक है, किस में हम रिलेवेंट साबित हो सकते हैं, आके हम कुछ ऐसा बयान दे दे कि अगर हम चर्चाओं में भी नहीं है ना, फिर से हम चर्चाओं में उठ जाएं। जैसे एक वो आके वो कह रहे थे ना, कई बार गिरफ्तार हो चुका स्टार्टिंग में जो था, वो सतपाल था, कौन था वो, है ना, ये कर देंगे वो कर। भाई यार तुम नेता बन रहे हो तो नेता वाली बातें करो ना, तो फिर तो तुम्हें, और फिर जैसे वो अभी बात है कि 1 करोड़ इतने इनाम दे देंगे, तो उन्होंने जो बोला कि जब जरूरत थी नए यात्रा में तब नहीं आए, पब्लिसिटी स्टंट करना होता है, चर्चाओं में रहना होता है, आधे ज्यादा लोगों का यही होता है चीज है, ठीक है। और फिर एक और चीज मुझे लगता है कि जैसे उसकी नदीम की जो वीडियोज वायरल हो रही थी, वो गले में चेन डाल के हर एक चीज, मुझे लगता है कि सब लोग आज के टाइम पे ये साबित करना चाहते हैं कि मेरी कितनी बड़ी पहुंच है, या मैं कितना बड़ा बदमाश हूँ, या मेरी कितनी फैन बेस है, या मैं कितना बड़ा मंत्री हूँ, मतलब कि मैं पॉलिटिशियन कितना बड़ा नेता हूँ, मैं ये चीज, इन चीजों में ना घुस के जबकि सही तरीके की बात करी जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो इस बारे में। मिलते हैं कपूर के साथ, बाय, टेक केयर।